सातवें चरण के चुनाव के लिए पीएम ने तेज किया प्रचार, हिमाचल के शिमला में विशाल जनसभा को किया संबोधित। प्रधानमंत्री की जनता से अपील, कहा ताकतवर भारत के लिए चाहिए तीसरी बार सभी का आशीर्वाद। पीएम ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस मां भारती के अपमान से बाज नहीं आती, बोले उन्हें वंदे मातरम बोलने से दिक्कत। पीएम ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी एनडीए की प्रचंड जीत का किया दावा, बोले पांच चरण के चुनाव में हमारी सरकार बननी पक्की। देश में पांच चरणों के चुनाव हो चुके हैं, बीजेपी एनडीए की सरकार बननी पक्की हो चुकी है। कल देश मनाएगा लोकतंत्र के महापर्व का छठा चरण, सात राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर होगी वोटिंग। महबूबा मुफ्ती समेत तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों की किस्मत, जनता की परीक्षा की कसौटी पर धर्मेंद्र प्रधान समेत तीन केंद्रीय मंत्री। दिल्ली की सभी सात सीटों पर भी होगा मतदान, मनोज तिवारी बांसुरी स्वराज समेत दांव पर कई नेताओं की साख। अब तक पांच चरणों के हो चुके मतदान, 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 428 सीटों पर पड़ चुके हैं वोट। छठे चरण में यूपी 14 सीटों पर भी उनकी होगी वोटिंग, मेनका गांधी दिनेश लाल निरहुआ भी आजमा रहे हैं अपनी किस्मत। पीएनबी घोटाले के मास्टरमाइंड मेहुल चौकसी के वकील ने मुंबई की अदालत में दायर की याचिका, चौकसी के भारत नहीं आने की बताई वजह। चौकसी के पासपोर्ट को भारतीय अधिकारियों ने कर दिया है सस्पेंड, इसी वजह से भारत नहीं लौट पा रहा पीएनबी घोटाले का मास्टरमाइंड। दिल्ली में वोटिंग से पहले बुर्के पर सियासत तेज, बीजेपी के चुनाव आयोग से मांग, बुर्के में आने वाले वोटर्स का हो वेरिफिकेशन। बीजेपी की मांग पर एआईएमआईएम का हमला, वारिस पठान बोले ये बीजेपी की नौटंकी, मुस्लिम महिलाओं को परेशान करने की मंशा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा निर्वाचन आयोग के सख्त निर्देश हैं कि पहले पहचान दिखाना होगा तभी कर सकेंगे वोट। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी का बॉडीगार्ड सस्पेंड, वोटिंग के दिन रोहिणी आचार्य के साथ घूमने का आरोप। रोहिणी पर बॉडीगार्ड्स के दुरुपयोग का मामला, सारण पुलिस से मिली रिपोर्ट के बाद की गई कार्रवाई। चुनाव के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, कहा माहौल टनाटन है, 4 जून को बीजेपी हो जाएगी सफाचट। तेजस्वी को जेडीयू का तुकबंदी अंदाज से जवाब, कहा बिहार में एनडीए के पक्ष में माहौल है चकाचक। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू परिवार पर साधा निशाना, कहा तेजस्वी के परिवार ने नौकरी के नाम पर जमीन लिया लपालप। नंदीग्राम हिंसा पर बंगाल में सुलगी सियासत, बीजेपी का ममता पर हमला, कहा लाल खून से सनी है ममता की सफेद साड़ी। बीजेपी के बयान पर टीएमसी का पलटवार, कहा ये सब फालतू के मुद्दे। महाराष्ट्र के डोंबिवली ब्लास्ट में पुलिस का एक्शन, कंपनी मालिक के खिलाफ मामला दर्ज। डोंबिवली ब्लास्ट में करीब 64 लोग हुए थे घायल, 8 लोगों ने गंवाई जान, कंपनी मालिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस की दीवारों पर देश विरोधी नारे, दीवारों पर चुनाव का बहिष्कार करो, नक्सलबाड़ी जिंदाबाद के लिखे मिले नारे। पुणे हिट एंड रन केस में आया नया ट्विस्ट, आरोपी नाबालिग के पिता का दावा, हादसे के वक्त ड्राइवर चला रहा था कार। फैमिली ड्राइवर का दावा, हादसे के वक्त वही चला रहा था कार, पुलिस कर रही है मामले की पूछताछ। पुलिस ने बरामद किया बिल्डर विशाल अग्रवाल का मोबाइल फोन, खंगाल रही हादसे की रात के एसएमएस और व्हाट्सएप चैट। पुलिस नाबालिग के दादा से भी कर रही पूछताछ, कार के स्वामित्व के संबंध में सवाल जवाब। संजय राउत ने मामले पर महाराष्ट्र सरकार पर लगाया आरोप, कहा पुणे पॉश कांड के आरोपी को पुलिस कस्टडी में, सर्व किया गया पिज्जा और बर्गर। रिकी पॉन्टिंग को भारत के हेड कोच बनाने के दावों के बीच बीसीसीआई का जवाब, जय शाह बोले किसी भी ऑस्ट्रेलियाई को नहीं दिया कोच बनने का ऑफर। सीएम स्टालिन से जल्द मिलेंगे गूगल के अधिकारी, पहली बार तमिलनाडु में बनेंगे गूगल पिक्सल फोन। सीएम स्टालिन का दावा, गूगल पिक्सल से युवकों को मिलेगा फायदा, 30 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी की अहम बैठक, सुगम यात्रा के लिए अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश।
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में प्रशासन की बदहाली का दिखा नजारा, अस्पताल में बिजली जाने पर टॉर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं डॉक्टर। बंगाल ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ममता सरकार पर बोला हमला, कहा धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत नहीं देता भारत का संविधान। किर्गिस्तान में फंसे हुए स्टूडेंट्स को लेकर गुजरात सरकार सक्रिय, सीएम के आदेश पर मुख्य सचिव ने विदेश मंत्रालय और किर्गिस्तान दूतावास से संपर्क कर ली मौजूदा जानकारी। अयोध्या में राम मंदिर पहुंचे बीजेपी नेता तेजस्वी, सूर्य दर्शन और पूजन कर लाल का आशीर्वाद। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत राजगीर पहुंची लोक गायिका मैथिली ठाकुर, गानों के जरिए लोगों को मतदान करने के लिए क्या प्रेरित। देश को मिले 205 नए फौजी अफसर, पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड का आयोजन। पासिंग आउट परेड में पहुंचे सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, परेड की ली सलामी। एनडीए कैडेट्स ने अपने कौशल और हुनर का किया प्रदर्शन, कदम ताल मिलाते नजर आए अफसर। पासिंग आउट परेड में वायु वीरों ने लगाए चार चांद, आसमान में लहराया तिरंगा। जवानों ने बैंड पर बजाई खास धुन, देशभक्ति के माहौल में जवानों का जोश दिखा है। कैलाश खेर के साथ बीजेपी नेता संबित पात्रा ने की मां दुर्गा की स्तुति, सोशल मीडिया पर जारी किया वीडियो। रजनीकांत को यूएई सरकार की तरफ से मिला गोल्डन वीजा, वीडियो शेयर कर एक्टर ने जताया आभार। चुनाव के बीच शेयर बाजार का कमाल, निफ्टी पहली बार 23,000 के पार। सेंसेक्स ने भी बनाया रिकॉर्ड, मार्केट के शुरुआती 15 मिनट में ही 75,000 के पार हुआ। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में दिखा आस्था का संगम, लक्ष्मीनाथ मंदिर में मनाया गया विराट महोत्सव। महोत्सव के मौके पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, करीब 50,000 की संख्या में उमड़े श्रद्धालु। शोभा यात्रा में पालकी पर विराजे भगवान लक्ष्मीनाथ जी, ढोल नगाड़ों के बीच झूमे श्रद्धालु। शोभा यात्रा में मुख्य आकर्षण का केंद्र बना झांझर नृत्य, यात्रा को लेकर प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम। रुद्रप्रयाग में खराब हुआ हेलीकॉप्टर का रूडल, करनी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग, बाल बाल बचे यात्री। नोएडा पुलिस ने शुरू किया रिश्तों को बचाने का कैफे, यहां बैठकर अपने मसले सुलझा सकते हैं जोड़े, मदद के लिए काउंसलर भी रहेंगे मौजूद। कोलकाता चिड़ियाघर से आई शानदार तस्वीरें, जानवर को गर्मी से बचाने के लिए किए गए खास इंतजाम। राजस्थान बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में 100% अंक लाने वाली प्राची सोनी के घर पहुंचे राजस्थान के शिक्षा मंत्री, कहा आगे की पढ़ाई का खर्च उठाएगी सरकार। मराठवाड़ा में सूखे जैसे हालात को देखते हुए सीएम शिंदे ने मराठवाड़ा डिवीजन के अधिकारियों के साथ की बैठक, पानी की समस्या को हल करने के दे आदेश। उत्तराखंड के चारधाम में दर्शन से जुड़ी शानदार न्यूज, पिछले साल की तुलना में तीर्थयात्रियों की संख्या में भारी इजाफा। उत्तर भारत में हो रही भीषण गर्मी, राजस्थान में 48 डिग्री तक पहुंचा पारा। राजस्थान के बाड़मेर में अब तक का रिकॉर्ड टेम्परेचर करीब 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। उत्तर भारत के 8 राज्यों में 43 डिग्री से ऊपर पारा, गुजरात में 45 डिग्री के पार पारा। मौसम विभाग ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए जारी किया रेड अलर्ट, हीट स्ट्रोक से सावधान रहने की दी सलाह। महाराष्ट्र के बारामती में बेमौसम बारिश से लोगों को कुछ राहत, तेज बारिश के साथ चली आंधी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के जल चुनाव के ऐलान किए जाने से भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हो सकती है देर, दोनों पक्षों के अधिकारियों ने इसके संकेत दिए।